हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास। कैसे हैं आप सभी बच्चों? अब हमने बेटे स्टार्ट किए हैं आपके क्वेश्चंस आईटी जेई और नेट के। एल्केन्स के हम लास्ट दो लेक्चर में बच्चों कर चुके हैं। आज का हमारा टॉपिक है बेटे एल्कीन। एल्कीन की आज हम डिस्कस करेंगे आपके आईटी जेई एडवांस और मेन के क्वेश्चंस। तो बुक बेटे आप कोई भी ले सकते हैं, वेदर योर एमटीजी पब्लिकेशन है, आर्यंत पब्लिकेशन है या बेटे दिशा पब्लिकेशन है। और बुक का टाइटल हर एक बुक में यही मिलेगा बेटे आपको, 40 ईयर्स, अब 42 ईयर्स हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे इस बुक में 17 तक है, अब 20 तक की नई बुक आ जाएगी, तो इससे आप सारे क्वेश्चंस कर सकते हैं। नाउ आई हैव सिलेक्टेड दिस क्वेश्चंस विच आर ओनली बेस्ड अपॉन एल्कीन्स टॉपिक। तो आज हम सिर्फ ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे एल्काइन के बेटे, नेक्स्ट लेक्चर में लेंगे। चलिए बेटा, तो फर्स्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर रहे हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिकलराइजेस एल्कलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन। एल्कलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन को कौन डिकलराइज करेगा? विच रिएजेंट इज दिस? बेयर्स रिएजेंट। नाउ दिस रिएजेंट इज कॉल्ड एज बेयर्स रिएजेंट, एंड टेस्ट क्या कहलाता है बेटे? बेयर्स टेस्ट फॉर अनसैचुरेशन। ये टेस्ट सिर्फ कौन देते हैं बेटे? आइदर एल्कीन और एल्काइन। तो ये टेस्ट क्या होता है इस टेस्ट में, याद है या नहीं? ये हम क्या लेते हैं बेटे, कोई भी एल्कीन लेंगे प्लस इसमें केमेनोफोर डालेंगे, क्या बनता था? डाइऑल। मेन बात क्या थी इसकी? सिस एडिशन। मेन पॉइंट याद रखो स्टीरियोकेमिस्ट्री के अंदर। एंड ब्राउन कलर के आपके मैग्नीज ऑक्साइड के प्रेसिपिटेट मिलेंगे बेटे। तो जो इसका बेटे पिंक कलर है वो क्या हो जाएगा? डिकलराइज हो जाएगा। तो ये टेस्ट आपके या तो एल्कीन देंगे बच्चों या एल्काइन। अब चार ऑप्शन में सिलेक्ट कर लेते हैं बेटे। प्रोपेन नहीं, इथेन यस, मिथेन नो, CCl4 नो। तो आंसर विल बी इथेन। चलेगी नेक्स्ट है बेटे। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया बेटे, बेयर्स रिएजेंट इज व्हाट? ऊपर लिखा ही हुआ है एल्कलाइन केमेनोफोर। अब देखो बेटे, कंफ्यूज करने के लिए आपको ऑप्शन में क्या दे रखा है? एल्कलाइन परमैंगनेट सॉल्यूशन, एसिडिफाइड परमैंगनेट सॉल्यूशन, न्यूट्रल परमैंगनेट सॉल्यूशन एंड फाइनली एक्वस ब्रोमीन सॉल्यूशन। तो ये चीज भी आपको याद करनी है बेटे कि वो एल्कलाइन है या बच्चों वो एसिडिक है या वो न्यूट्रल है। तो बेस रिएजेंट क्या है आपका? दिस इज एल्कलाइन केमेनोफोर सॉल्यूशन। चले आगे, नाइन्थ क्वेश्चन, एंटी मार्कोविनकॉफ एडिशन ऑफ HBr इज नॉट ऑब्जर्व। आपके पास ऑप्शन है बेटे। पहली बात, यदि हम क्वेश्चन की बात करें, एंटी मार्कोविनकॉफ एडिशन क्या था HBr का? ये परोक्साइड इफेक्ट था बेटे, खराश इफेक्ट जो था। देखो एक तरह से टॉपिक्स बेटे आपके रिवाइज भी होते चलेंगे। बेयर्स रिएजेंट याद हो गया, उसके अंदर क्या होता है वो रिवाइज हो गया, अब किस पर आ गए हम? परोक्साइड इफेक्ट पर। तो परोक्साइड इफेक्ट में HBr ऐड करते हैं बेटा, और Br कहाँ लगेगा? जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है। तो ये आपका एंटी मार्कोन का एडिशन है। तो ऑब्वियसली आप ऐसी एल्कीन सिलेक्ट करेंगे ना जिसमें नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम अलग अलग हों, उसी में तो क्या आएगा? परोक्साइड इफेक्ट आएगा। मेरी बात क्लियर है? तो क्वेश्चन में ये कह रहा है कि जो ऑप्शन दे रखे हैं किसके अंदर परोक्साइड इफेक्ट नहीं लगेगा। जैसे पहला है बेटे प्रोपीन, क्या लगेगा इसके अंदर? लगेगा ब्यूटवन इन। ब्यूटवन इन क्या हो जाएगा बेटा? ये आपका ब्यूटवन इन रहा, इसमें भी क्या है? डिफरेंट नंबर ऑफ हाइड्रोजन आइटम्स, तो यहां भी लग जाएगा। नेक्स्ट पेंट 2 इन, पेंट 2 इन में बताइए, दिस इज योर पेंट 2 इन। बोलो ध्यान से बेटे, हाइड्रोजन एटम है तो सेम, पर यदि आप एक Br यहां जोड़ते हो या एक Br यहां जोड़ते हो तो वो नाम क्या होगा बेटे? डिफरेंट। क्लियर है ना? यू हैव टू सिलेक्ट दैट एल्कीन जो सिमेट्रिकल है। ध्यान देना बेटा, नाउ दिस एल्कीन इज सिमेट्रिकल। अब चाहे Br आप यहां लगाओ, चाहे Br आप यहां लगाओ, बात समझ में आ रही मेरी? तो बेटे इसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये आपका, अब यदि आप सिंपल HBr ऐड करते हैं
या बेटे आपने एच बी आर एड कर दिया इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, कोई इशू नहीं है, दोनों में प्रोडक्ट क्या मिलेगा, सेम, दैट इज व्हाट, टू ब्रोमो ब्यूट ब्यूटेन। बासन भाई, बी आर यहां लगाओगे तब भी टू ब्रोमो ब्यूटेन, आप यहां लगाते हैं तब भी टू ब्रोमो ब्यूटेन। इज इट क्लियर? ध्यान देना बेटे, ये तो हम ये तो पक्का देंगे दोनों, क्योंकि नंबर ऑफ फाइनल आइटम्स अलग अलग है, यहां है तो सेम, पर यदि आप बी आर यहां लगाएंगे तो क्या बनेगा, टू ब्रोमो पेंटेन, यहां लगाओगे तो थ्री ब्रोमो पेंटेन। मतलब जो रिएक्टिव इंटरमीडिएट है बेटे वो अलग अलग है फ्री रेडिकल, तो ये इसका मतलब ये भी एच बी आर इफेक्ट देगा, यानी परोक्साइड इफेक्ट देगा। यहां पर कहीं भी लगाइए आंसर विल बी सेम। तो ये एल्कीन, यानी बेटे ध्यान क्या रखना है, परोक्साइड इफेक्ट, चाहे आपका मार्कोव विनकोफ रूल है चाहे बेटे आपका एंटी मार्कोव विनकोफ रूल है, सिमेट्रिकल एल्कीन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बढ़े आगे, फिफ्टींथ, विच ऑफ द फॉलोइंग विल रिएक्ट फास्टेस्ट विद एच टू। आपको एल्कीन दे रखी है बेटे, एल्कीन की जब आप हाइड्रोजनेशन करते हैं तो क्या बनता है, एल्केन बनता है, और डेल्टा एच नेगेटिव आती है एक्जोथर्मिक, इसको क्या बोलते हैं बेटे डेल्टा एच को, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, दिस इज कॉल्ड हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्वेश्चन पूछता है बेटे, आपको ऑप्शन दे रखे हैं, कौन सी एल्कीन सबसे फास्ट रिएक्ट करेगी। बेटा एक बात सीधी सी है, ये एल्कीन यदि स्टेबल है तो बेटा रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, स्लो होगा, यानी जो हीट रिलीज होगी वो क्या होगी, कम होगी। ये आपको पॉइंट याद रखना है, यानी बेटे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज व्हाट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। क्लियर है ना? तो स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। चलिए लेट अस प्रोसीड टू द क्वेश्चन। क्वेश्चन में क्या दे रखा है बेटे, है तो यहां पर आर ग्रुप, पर यहां पर आर के लिए एक बार सी एस थ्री मान लेते हैं, ओरिजिनल क्वेश्चन में यहां आर दे रखा है बेटे, ठीक है, एच एच, और हमने क्या मान लिया आर सी एस थ्री, आपको थोड़ा समझाने के लिए सी एस थ्री। अब बेटे हमने क्या पढ़ा हुआ बच्चों, जितने नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन होंगे स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन उतनी ही ज्यादा होगी। ये हमारे पास चार ऑप्शन है बेटा, 12 नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन मोस्ट स्टेबल, मोस्ट स्टेबल है तो बेटा स्पीड क्या होगी, स्लो। तो हटाएं इस ऑप्शन को, नेक्स्ट ऑप्शन पर 9 है, यहां 6 है, यहां 6 है, तो इसको भी हटा दो। अब बचे दो ऑप्शन बेटे, अब यहां पर बच्चों दोनों एल्कीन के पास नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन सेम है, अब आपको क्या चेक करना है कि इसमें से किसकी स्टेबिलिटी बोलो ज्यादा है किसकी कम है। जिसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी उसका रेट स्लो हो जाएगा, जिसकी स्टेबिलिटी कम होगी उसका रेट फास्ट हो जाएगा। और क्वेश्चन में हमसे क्या पूछता है कि फास्ट कौन रिएक्ट करेगी। चलिए बेटे, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से ही स्टेबिलिटी बताएंगे, नंबर ऑफ हाइपर कंजुगेशन स्ट्रक्चर तो सेम है, बात समझना ध्यान से, पर स्टेबिलिटी कंपेयर करेंगे ना हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट से ही। कैसे बेटे, यहां ये सी एस थ्री है, इसको हटाया हमने, डबल बॉन्ड यहां ले आए, तो नेगेटिव चार्ज किस पर आया, सेकेंडरी कार्बन पर, यानी बेटे सेकेंडरी कार्बेनाइन बना, बोलो यहां पर क्या हुआ है, आपने छटाया ये इधर लेके आए, ये कैसा कार्बन है, यानी कैसा कार्बनायन बना, प्राइमरी कार्बनायन मोर स्टेबल होता है बेटे एज कंपेयर टू सेकेंडरी, यानी ये ज्यादा स्टेबल है एल्कीन, इससे आंसर आपका ये रहा। बोलो आप बेटे एल्कीन की स्टेबिलिटी में देखोगे, जहां पर मैंने हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट पढ़ाया था वहां ये अच्छी तरह एक्सप्लेन कर रखा है मैंने, देख भी लेना कोई डाउट हो तो, ठीक है।
आया क्वेश्चन समझ में? ओके नेक्स्ट है बेटे, इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड हाइड्रोजन क्लोराइड एंड हाइड्रोजन आयोडाइड डू नॉट गिव एंटी मार्कोविनकोफ एडिशन। क्या कह रहा है बेटे कि जो परोक्साइड इफेक्ट है बच्चों वो सिर्फ हमने क्या पढ़ा था HBR, वो सिर्फ HBr के साथ होता है, HCl या HI के साथ नहीं होता है। मैंने आपको समझाया भी था, वैल्यूज भी लिखवाई थी, याद कीजिए और ऑप्शन देखिए। ये कहता है कि बोथ आर हाईली आयनिक, फर्स्ट ऑप्शन, वन इज ऑक्सीडाइजिंग, अनदर इज रिड्यूसिंग एजेंट। थर्ड ऑप्शन, वन ऑफ द स्टेप्स इज एंडोथर्मिक इन बोथ द केसेस। ओके एंड लास्ट है बेटे, ऑल द स्टेप्स आर एक्सोथर्मिक इन बोथ केस। थर्ड ऑप्शन इज करेक्ट। व्हाट बेटे, इन दोनों में बेटा एक स्टेप आपका क्या है एंडोथर्मिक है, और HBr में दोनों के दोनों स्टेप क्या है एक्सोथर्मिक है, इस चीज को ध्यान रखें। बढ़े आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिए बेटा, 17th। ये बेटे आपको एक एल्कीन दे रखी है, एल्कीन सॉरी डबल बॉन्ड भी है बेटा इसके अंदर और ट्रिपल बॉन्ड भी है। पहली बात बेटा समझना क्या है, क्वेश्चन में ऐसे नहीं दे रखा है, क्वेश्चन में सिंपली क्या लिख रखा है मैं आपको ये बताता हूं। पहले यहां क्वेश्चन में लिख दिया ME। आपको बेटे इसकी रिप्रेजेंटेशन भी समझनी है, इसका मतलब सीधा सा है बेटे, यहां पर क्या है कार्बन, यहां पर कार्बन, क्लियर है। ME किसका नाम है, मिथाइल हो गया। क्या पूछता है बेटे, इसकी रिएक्शन करवाई हमने पॉइजन पैलेडियम कैटलिस्ट, मींस बेटे ये है आपका लिंडलार्स कैटलिस्ट। ओके लिंडलार्स कैटलिस्ट और ब्रिज रिडक्शन हमने बेटे एल्कीन की प्रिपरेशन में किया था। वी कैन कंट्रोल द रिडक्शन प्रोसेस ऑफ एल्काइन अप टू एल्कीन स्टेज बाय यूजिंग लिंडलार्स कैटलिस्ट एंड ब्रिज रिडक्शन या सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। सोडियम ले लो या लिथियम ले लो बेटे, लिंडलार्स कैटलिस्ट उसको सिस में कन्वर्ट करता है। ओके बेटे एंड ब्रिज रिडक्शन उसको ट्रांसमर लेकर जाती है। तो रिडक्शन कहां होगी बेटे, यहां होगी। यदि रिडक्शन यहां होती है तो यहां पर क्या आ गया बच्चों, एच आ गया और एच आ गया। क्या इतनी बात समझ में आ गई? आपसे क्वेश्चन में क्या पूछता है बताइए, ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड है या ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड है, या एक रेसिमिक मिक्सचर है या ये डायस्टेरोमेरिक मिक्सचर है। पहले देखो क्या ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं। दिस कार्बन, ए ग्रुप क्या है H, ए ग्रुप क्या है मिथाइल, ए ग्रुप ये रहा, ए ग्रुप ये रहा। बेटा क्या ये और ये ग्रुप सेम है? Yes. बोलो, तो हैंस इट इज अ ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड इज योर आंसर। तो यहां देखो बेटे, अब आपके पास दो कॉन्सेप्ट का कॉम्बिनेशन क्वेश्चन आ गया, तो ऐसे क्वेश्चंस की पॉसिबिलिटी ज्यादा रहती है, ध्यान रखो। आइसोमर जब हम कर चुके थे उसको लगा दो। अब आपको पता होना चाहिए कि ऑप्टिकली एक्टिव कौन से हैं। ऑप्टिकली एक्टिव में यदि एक का एल कार्बन है तो 100% क्या बताया था, ऑप्टिकली एक्टिव। एक से ज्यादा है फिर वो बेटे कंडीशंस लगती थी अपनी, प्लेन ऑफ सिमेट्री, सेंटर ऑफ सिमेट्री, पता ध्यान है ना ये सारा। चलो नेक्स्ट है बेटा 18th क्वेश्चन, द रिएक्शन ऑफ प्रोपीन विद HOCl, ठीक है प्रोपीन, हाइपोहैलस एसिड, नेगेटिव पार्ट क्या है ये पॉजिटिव, फॉलो मार्कोविनकोफ रूल, याद करने के लिए बता रहा हूं मैं आपको, ये आपका पोर्ट रहता था, ध्यान है। क्वेश्चन क्या सुनो, एडिशन किसका होगा, क्या H पॉजिटिव का होगा फर्स्ट स्टेप में, क्या Cl पॉजिटिव ऐड होगा। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, फर्स्ट स्टेप में कौन ऐड होता है, क्या H पॉजिटिव, क्या Cl पॉजिटिव, या बेटे OH नेगेटिव, या Cl नेगेटिव
आई एम सॉरी, दिस इज सीएल पॉजिटिव. क्वेश्चन ऑप्शन फर्स्ट सेकंड थर्ड, क्या पहले स्टेप में एच पॉजिटिव जुड़ता है? क्या सीएल पॉजिटिव जुड़ता है? आंसर इज दिस, ऑब्वियसली इट इज इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन. इलेक्ट्रोफिलिक पहले कौन जुड़ेगा? सीएल पॉजिटिव. ये आंसर है बेटे, बताओ मुश्किल है? No, बस. तो फिर नेक्स्ट 23rd, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ टू हेक्साइन इनटू ट्रांस टू हेक्सीन. अभी किया था हमने, टू हेक्साइन है बेटे, यानी एल्काइन की रिडक्शन करनी है और किस में कन्वर्ट करना है? ट्रांस एल्कीन में. क्या यूज करोगे? सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया, या सोडियम की जगह क्या लिखा हुआ हो? लिथियम. तो आप बेटे, आपका ऑप्शन दे रखा है लिक्विड अमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहल, दैट इज योर आंसर. ओके, चलिए बेटे, नेक्स्ट इज योर 25th. हां जी, 25th क्वेश्चन क्या है बेटे? यही प्रोपेन दे रखा है बेटे आपको, ठीक है, और आपसे पूछ लिया प्रोडक्ट, और H की जगह ये है NOCl, ये आपका प्रोडक्ट है. ध्यान से बताओ क्या बनेगा प्रोडक्ट, जल्दी करो. शाबाश. यहां पर बेटे आपको ये बताना है मेन कि पॉजिटिव कौन है, नेगेटिव कौन है. यहां उल्टा है बेटे, वहां था OH नेगेटिव और Cl पॉजिटिव, यहां कौन है भाई? NO पॉजिटिव और Cl नेगेटिव. यही आपको चीज समझनी है, बाकी वही फॉलो विच रोल? मार्कोनिकोफ रोल. यहां पर क्या आ जाएगा? Cl. यहां पर क्या आ जाएगा? सॉरी, नेगेटिव कहां है बेटे? यस. और यहां पर NO. बोलो क्लियर है? बढ़े आगे. ठीक, चलिए बेटे, नेक्स्ट इज 29th क्वेश्चन. ओके बेटे, इन एलीन, एलीन होता क्या है बताओ पहले. डाइंस किए थे बेटे हमने, आइसोलेटेड डाइंस, कंजुगेटेड डाइंस एंड क्यूमलिन्स. तो क्यूमलिन्स इनको हम क्या बोलते हैं? एलीन्स भी बोलते हैं, जहां पर कॉन्टिन्यूस थे आपके डबल बॉन्ड. याद आया? आपसे पूछ रहा है बेटे क्वेश्चन के अंदर, टाइप्स ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द कार्बन एटम, कैसी कैसी हाइब्रिडाइजेशन है इसमें? हाइब्रिडाइजेशन कैसी? sp2. बोलो sp2. इसमें sp, इसमें sp2. तो आंसर क्या आ गया? sp2sp. समझ रहे मेरी बात? कैसे निकालते हैं हाइब्रिडाइजेशन? कितने सिग्मा बॉन्ड हैं? 2 सिग्मा बॉन्ड sp बेटे कार्बन में, 3 सिग्मा बॉन्ड sp3, sp2, यस राइट, और 4 है तो sp3. क्लियर है? सो इजी क्वेश्चन. चलो बेटे, 30th क्वेश्चन. हां जी बेटे, द नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स, एक एल्कीन आपको दे रखी है बेटा, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, CH3H, CH डबल बॉन्ड, CH, H, CH3, CH डबल बॉन्ड, CH, दिस वन. ये क्वेश्चन मैं आपके लिए दे रहा हूं बेटे, आपको इसकी कंप्लीट ऑथोलिसिस करनी है. तो आपसे पूछ रहा है बेटे, नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, करके देखिए. शाबाश. नंबर ऑफ ऑप्टिकली एक्टिव, पहले मुझे ये बताओ क्या आप प्रोडक्ट्स बना सकते हो? Yes, कैसे बनाओगे? बड़ा सिंपल तरीका बताया था बेटे मैंने ऑजोलोसिस के प्रोडक्ट बनाने का. अब मैकेनिज्म की तरफ ध्यान नहीं देना है, सिंपल प्रोडक्ट्स. क्या करो? डबल बॉन्ड हटाओ और क्या लगाते चलो? आया याद? Yes, तो ये आपके प्रोडक्ट्स हो गए. क्या कोई भी प्रोडक्ट आपका ऑप्टिकली एक्टिव है? No, क्या किसी में भी कायल सेंटर है? आंसर विल बी 0. ओके, चलिए
नेक्स्ट आगे बढ़िए बेटा, क्वेश्चन है बेटे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग हैज स्मॉलेस्ट हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन पर मोल, पर मोल, ठीक है बेटे, आपको दे रखा है ब्यूट वन ई, ट्रांस ब्यूट टू ईन, सिस ब्यूट टू ईन और एक है बेटा 1,3 ब्यूटा डाई ईन। ध्यान से समझना बेटे क्वेश्चन को, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन हमने क्या पढ़ा हुआ है, अच्छा क्वेश्चन आ गया बेटा, एक स्टेबिलिटी ऑफ एल्कीन अभी पीछे आया था बेटे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन। अब आप कहोगे सर इसमें रेजोनेंस है, मोस्ट स्टेबल है बाकी तीनों से, बिल्कुल है, आंसर भी ठीक है भाई, गलत बात नहीं है, मोस्ट स्टेबल है तो सबसे लोवेस्ट इसकी होनी चाहिए, बट आंसर इज रॉन्ग। क्या होते हैं हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, एक बॉन्ड जब टूटता है, बात समझ रहे हो ना, कितनी हीट रिलीज हुई, तो यहां तो ज्यादा रिलीज नहीं होगी बेटे, दो पाई बॉन्ड टूटेंगे तो ज्यादा एनर्जी रिलीज हुई, स्टेबल जरूर है, आप स्टेबल तभी बेटे ध्यान देना, स्टेबिलिटी तभी कंपेयर कर सकते हो जब आप बात कर रहे हो सिर्फ सिंगल बॉन्ड की, एक इसमें एक इसमें एक इसमें, यहां तो दो आ गए, जितने ज्यादा नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स होंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन आपकी ज्यादा ही होगी। तो इसको तो हटाओ, और बेटे कई बच्चे आंसर ज्यादातर इसी पे लगाएंगे, क्यों लगाएंगे, क्या लग रहा है आपको, रेजोनेंस स्टेबलाइज है भैया, तो सबसे ज्यादा स्टेबल है तो हीट सबसे कम रिलीज होगी, और आंसर उल्टा है बेटे, इसमें सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज होगी, क्यों रिलीज होगी, बिकॉज दो पाई बॉन्ड है इसलिए ज्यादा रिलीज होगी, ध्यान रखना बेटा इस क्वेश्चन को। अब इस पे आ जाओ, मोस्ट स्टेबल कौन सी है इसमें से, सेकंड ट्रांस, तो दिस इज योर आंसर, ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करना आपको, बोलो क्लियर है। हाँ जी बेटे, ये क्वेश्चन आ गया बेटे आपका, एल्का डाई इन, मैंने एक टॉपिक कराया था आपको, 1,2 and 1,4 एडिशन इन ब्यूटा 1,3 डाई इन में, आ रहा है आपको याद है? Yes. इसमें मुझे जोड़ना है बेटे HBr, प्रोडक्ट ऑप्शन दे रखे हैं, मैं आपसे ही पूछ लेता हूं क्या बनेगा प्रोडक्ट, सीधा ही बोलो, ऑप्शन की तरफ मत देखो, सबसे पहले बेटे क्वेश्चन सॉल्व करने की खुद कोशिश किया करो और फिर मैचिंग किया करो। टेम्परेचर मेंशन, वन मिनट, टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ बेटे, मेन बात, यहां पर दो प्रोडक्ट्स बन सकते थे, याद आ रहे, 1,2 and 1,4, 1,2 addition and 1,4 addition, इज दैट क्लियर, कराऊं एक बार टॉपिक, क्या था पहले किसका एडिशन करोगे, एच पॉजिटिव का कहां जाएगा, यहां जुड़ेगा और यहां चार्ज पॉजिटिव, बेटे यहां बी आर लग जाएगा ना, बोलो जब साथ साथ लगते हैं तो उसको क्या बोलते हो, 1,2 addition। नाउ दिस कार्बोकैटायन इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, यस और नो, बोलो अरे हाँ ना, यस, अब ये भी कार्बोकैटायन बना, यहां भी बीआर लग सकता है, इसको क्या बोलोगे, 1,4 addition, ये क्या कहलाएगा, 1,2 addition, कौन सा बताएं प्रोडक्ट, टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ है, याद कीजिए बेटे, लो टेम्परेचर पर अलग होता है, हाई टेम्परेचर पर अलग होता था, जब टेम्परेचर मेंशन नहीं किया हुआ हो तो रूम टेम्परेचर मानिए, यहां लो टेम्परेचर माइनस में था बेटे, याद आ रहा है आपको, हाँ, तो आंसर विल बी दिस, ये आपका बेटे हाई टेम्परेचर बन रहा था, मैंने बताया था आपको कि लो टेम्परेचर पर कौन बनेगा, जिसका कार्बोकैटायन ज्यादा स्टेबल होगा, याद करो, और हाई टेम्परेचर पर प्रोडक्ट ये स्टेबल है एज कंपेयर टू दिस, याद करो बेटे, वो टॉपिक डिटेल में हम कर चुके हैं, फिलहाल क्या है बेटे, मेंशन नहीं किया हुआ टेम्परेचर, तो आंसर इज योर 1,4 rather than 1,2.
ओके बढ़े आगे सिक्स कंपाउंड बेटे आपको एल्कीन दे रखी है ठीक है आपको बस ये बताना है कौन ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड बनाएगी ठीक है सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड या इस तरह कर लेते हैं बेटा एच बी आर सेकेंड इज बी आर एच सी एस टू सेकेंड इज दिस थर्ड ऑप्शन इज सी एस टू एच बी आर और यहां है बेटा सी एस थ्री ठीक है फोर्थ ऑप्शन लास्ट यहां ऑप्शन एक से ज्यादा है बेटा किसकी हाइड्रोजनेशन करने के बाद मुझे ऑप्टिकली इनएक्टिव कंपाउंड मिलेगा मतलब पहली बात तो हाइड्रोजन ऐड करो फिर चेक करो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है उसके लिए क्या चेक करना है काइल कार्बन तो हमें एक ही दिख रहा है ये रहा एक 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 और तो कोई है ही नहीं चलिए बेटे हाइड्रोजन ऐड करें हटाओ इसको एच 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 क्या ये ऑप्टिकली एक्टिव है ध्यान से देखो क्या ये काइल कार्बन है यस ओके आंसर मिल गया मुझे यहां बेटे मोर देन वन ऑप्शन है क्वेश्चन ध्यान से आगे देखिए नेक्स्ट पढ़ो यहां बेटे अटाउ डबल बॉन्ड सी एस थ्री क्या ही ऑप्टिकली एक्टिव है नो ये ग्रुप क्या हो गया अब सेम नो अब यहां पर बेटे आइडोनेट करो एच यहां और एच यहां क्या ही ऑप्टिकली एक्टिव है यस ये काइल कार्बन हो गया बेटे ये ग्रुप अलग है ये ग्रुप अलग है नाउ दिस नो तो आंसर इज ए एंड सी बोलो चले नेक्स्ट बेटे तो ये बेटे आपके सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस थे ठीक है अब जो आगे हम डिस्कस कर रहे हैं बेटे यहां तक ये आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आए हुए हैं खैर सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके अब तो नहीं आते हैं आईआईटी में लिखना नहीं आता है बेटे आपको सारे सिलेक्ट करने हैं पर फिर भी कर लेते हैं एक बार क्वेश्चंस ओके चलिए सेकंड एट्थ क्वेश्चन है बेटे मैं बोल देता हूं बेटे अपने आप कर लेना एक एल्काइन दे रखी है बेटा ऊपर लिखा है एच टू नीचे लिखा है लिंडलार कैटलिस्ट क्या करोगे किस में कन्वर्ट कर दो इसको सिस में क्या करोगे एल्कीन ये दे रखा है बेटा ध्यान से ये दे रखा है आपको सबसे पहली बात एच टू लिंडलार्ज कैटलिस्ट आपको स्ट्रक्चर बनाना है क्या ध्यान देना बेटे आप सुनो यहां पर जो डायमेंशन आएगी वो कैसी आएगी देखो यहां कार्बन है यहां कार्बन है और यहां कार्बन है दिस इज कार्बन डबल बॉन्ड बेटे दिस इज योर आंसर क्या क्लियर है कैसा एडिशन करना है सिस एडिशन तो जब ये पहले सब्जेक्टिव क्वेश्चन आते थे बेटे तब थे ये क्वेश्चन आपके पर पता तो होना चाहिए कंसेप्ट तो बेटे वही है सारे है ना चलिए भाई आउटलाइन द रिक्वेस्ट आपको बेटे इथेन को इथाइन में कन्वर्ट करना है और दो से ज्यादा स्टेप ना हो ओके डियर क्या है क्वेश्चन बेटे हमें इथेन को इथाइन में कन्वर्ट करना है और दो से ज्यादा स्टेप नहीं लगने चाहिए दिस इज योर इथेन एंड दिस इज योर इथाइन अब मेरे को यह मत बोलना कि सर हाइड्रोजन बाहर निकाल लो ऐसे नहीं है क्या करेंगे बोलो शाबाश एडिशन करो पहले किसका बी आर टू का
तो बेटा क्या होगा, होगा तो ट्रांस एडिशन, पर मैं यहां उसका मतलब नहीं है, ये समझ में आया आपको। टू मोल्स ऑफ एच बी आर बाहर निकाल लिए, बोलो एच एक एच दूसरा बी आर एक एच तीसरा बी आर माइनस टू मोल्स ऑफ एच बी आर। ध्यान करो पहले के लिए क्या यूज कर सकते हो आप, एल्कोहलिक ओएच। सेकंड जब निकालोगे उसके लिए क्या यूज करोगे, सोडियम अमाइड। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था बेटे, लिखवाया था मैंने आपको। तो एक स्टेप में क्या ऐड करोगे बेटे, ब्रोमीन। दूसरे स्टेप में यानी फर्स्ट स्टेप इज एडिशन, दूसरा स्टेप एलिमिनेशन इन द प्रेजेंस ऑफ एल्कोहलिक ओएच एंड NaNH2। या खाली आप NaNH2 लिख सकते हो। ध्यान रखो दूसरा जो मोल है बेटे एच और बी आर है, वो आपका एल्कोहलिक ओएच नहीं निकाल पाएगा। इस चीज को ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एनी डाउट? चलो फोर्थ, फोर्थ में बड़ा इजी क्वेश्चन पूछ लिया बेटे। देखो भाई प्रोपीन की रिएक्शन करवा दी हमने हॉट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ पोटेशियम परमैंगनेट, हॉट KMnO4, कोल्ड एंड डाइल्यूट नहीं, बेयर्स रिएजेंट नहीं। ध्यान से क्या करोगे, H मैंने बताया था कोल्ड और डाइल्यूट बेटे एक बॉन्ड ब्रेक करता है, हॉट एंड कंसंट्रेटेड आपका दोनों बॉन्ड ब्रेक कर देगा। एक भी एच दी है तो प्रोडक्ट इज व्हाट, कार्बोक्सिलिक एसिड। अब यहां पर दो कार्बन है तो दो कार्बन का एसिड क्या मिल गया मुझे, यहां पर एक कार्बन है क्या बताया था, तो आंसर इज दिस, ये है आंसर, ये नहीं लिखना है। एनी डाउट? चलो प्रोपीन रिएक्ट्स विद HBr, ये कह रहा है बेटे जब प्रोपीन की रिएक्शन करते हो HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ, एक मिनट देख लेते हैं, नहीं बेटा प्रेजेंस कुछ नहीं है, सिंपल कौन सा रूल लगाओगे, मार्कोनिकोफ रूल, बस खत्म। तो Br कहां जाएगा, इधर Br जोड़ दो इधर, बताओ कितना आसान आंसर, ठीक है। चलो हाँ बेटे, द सेंट्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड, ये कह रहा है बेटे ध्यान से, सेंट्रल कार्बन कार्बन बॉन्ड कौन सा हुआ बेटे आपका, ये हुआ सेंटर वाला, तो शॉर्टर देन एन ब्यूटेन, ये ब्यूटेन है, यहां भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, यहां भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, क्या कह रहा है बेटे, ये छोटा है इससे, रीजन रेजोनेंस, डबल सिंगल डबल, इसमें कौन सा करेक्टर आ जाता है, डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाता है रेजोनेंस के थ्रू। सो बेटा ये क्या होगा, इसकी बॉन्ड लेंथ छोटी होगी एज कंपेयर टू एन ब्यूटेन। बोलो क्लियर, एग्जैक्ट? चलिए सिक्स्थ, टू मिथाइल प्रोपीन, मिथाइल प्रोपीन दे रखा है बेटा, कैन बी कन्वर्टेड इनटू आइसोब्यूटाइल ब्रोमाइड बाय हाइड्रोजन ब्रोमाइड, क्या इसको मैं इसमें कन्वर्ट कर सकता हूं अंडर नॉर्मल कंडीशन, ये रूल कौन सा लग गया, बोलो परोक्साइड इफेक्ट, क्या कंडीशन दे रखी थी आपको क्वेश्चन के अंदर, मेंशन नहीं कर रखी थी, तो क्या कहोगे नहीं बन सकता, रीजन क्या लिखोगे, ये कौन सा रूल है, बी आर नेगेटिव कहां गया, जहां पर हाइड्रोजन ज्यादा है बेटे, तो ये सिर्फ किसके प्रेजेंस में होता है, ओनली इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, और क्वेश्चन में आपको परोक्साइड मेंशन नहीं किया हुआ है, तो हेंस दिस प्रोडक्ट कैन नॉट बी फॉर्म्ड। एनी डाउट? नो सर।
में बेटा एक क्वेश्चन पहले करा था वो आ गया C4H8, कोई एल्कीन दे रखी है, इसमें मैंने HBr ऐड किया, इन द प्रेजेंस और इन द एब्सेंस, परोक्साइड एक बार डाल भी दिया और एक बार नहीं डाला, प्रोडक्ट मुझे सेम मिला, बोलो आ गया कैसा है, ये क्या होनी चाहिए थी, सिमेट्रिकल, सिमेट्रिकल है तो ये आंसर क्या रहेगा, ब्यूट टू इन, कहीं ऐड करो एच, यहां डाल लिखो बी आर, यहां लिखो बी आर, यहां लिखो, कहीं करो बेटे, आंसर विल बी टू ब्रोमो ब्यूटेन। आ गई कोई क्वेश्चन देखो, ठीक है ना, चलो बेटे मेरे को दे दिया क्वेश्चन C6H12, सॉल्व कीजिए इसको। ये ऑप्टिकली एक्टिव है हाइड्रोकार्बन, पहली बात ये देख लो, क्या ये एल्कीन एल्केन एल्काइन, जब मैंने इसमें H2 ऐड की तो मुझे ऑप्टिकली इनएक्टिव मिला, क्वेश्चन समझ में आ गया बेटे, जो ये क्या दे रखी है एल्कीन दे रखी है, इसमें मैंने क्या ऐड कर दी हाइड्रोजन, तो ये कौन बना एल्कीन बना ऑब्वियसली, तो ये क्या है बेटे ऑप्टिकली इनएक्टिव, बिल्कुल सीधा है बेटे, आसान है बिल्कुल, सबसे पहले क्या लिया हो कार्बन, बाद में बात करेंगे उसकी, एक क्या लगा दो CH3, एक क्या लगा दो H, अब मेरे पास कितने कार्बन बच गए, चार CH2 CH3, ऑब्वियसली अलग अलग निकलने पड़ेंगे, और यहां CH2 डबल बॉन्ड दिस वन, बोलो आंसर आया कि नहीं आया, क्या ये ऑप्टिकली इनएक्टिव है, सॉरी ऑप्टिकली एक्टिव है, यस, ये ग्रुप सारे चारों ग्रुप क्या हो गए अलग अलग, अब आप इसे क्या कर दो हाइड्रोजनेशन, डबल बॉन्ड तोड़ा, एच यहां पर, एच यहां पर, ये और ये ग्रुप क्या हो गया, किसम कन्वर्ट हो गया ऑप्टिकली इनएक्टिव में, बोलो एक क्या दे रखा है बेटे 3-ethyl-pent-2-ene, थ्री इथाइल बेटा, यस थ्री इथाइल पेंट टू इन, क्लियर है, यस सर। इसकी रिएक्शन की आपने HBr के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ परोक्साइड, प्रोडक्ट बना पाएंगे, yes, आसान है बिल्कुल, yes, यहां एच, यहां क्या जुड़ेगा H, बोलो H, बेटे जिस पर हाइड्रोजन ज्यादा वहां कौन जाएगी Br, जिस पर कम उस पर क्या जाएगा H, बिकॉज परोक्साइड इफेक्ट, कर पाएंगे श्योर, तो यहां पर H और यहां पर Br आंसर आ गया। Br2 in the presence of water, यानी बेटे HO Br, hypobromous acid, follow which role, Markovnikov role, यहां उल्टा कर दोगे, यहां कौन जाएगा पॉजिटिव पार्ट, कौन है पॉजिटिव पार्ट, Br, OH नेगेटिव, Br पॉजिटिव, ध्यान से बेटे यहां पर OH, क्लियर है, क्या बेटे नेगेटिव पार्ट ही है ना बेटा, नेगेटिव पार्ट कहां ऐड करोगे, जहां पर हाइड्रोजन कम है, इसके पास एक भी नहीं है, इसके पास एक है, यहां नेगेटिव ले जाओ, यहां पॉजिटिव ले जाओ। नेक्स्ट पूछता है बेटे ऑक्सीमर्कुरेशन एडक्शन, देखो रिजेंट दे रखा है वैसे तो, मैंने नाम बता दिया आपको, अदरवाइज क्वेश्चन में नाम ये ऐसे लिखा हुआ है बेटा जी, आपको ये याद भी रहना चाहिए कि ये रिएजेंट कौन सी इक्वेशन के हैं, ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन, क्या बनता था इससे, अल्कोहल, अल्कोहल बनता है,
अल्कोहल के बेटे तीन मेथड हमने किए थे, डायरेक्ट एडिशन ऑफ वाटर, हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन, ऑक्सीमर्कुरेशन, डीमर्कुरेशन। फर्स्ट में बेटे जब आप डायरेक्ट पानी ऐड करते हो तो कार्बोकैटायन बनता है, सो प्रोडक्ट विल बी कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन देयर इज नो कार्बोकैटायन बट प्रोडक्ट इज नॉट अकॉर्डिंग टू मार्कोविनकोफ रूल। थर्ड था बेटे ऑक्सीमर्कुरेशन डीमर्कुरेशन फॉलो मार्कोविनकोफ रूल, देयर इज नो फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन सो नो कार्बोकैटायन रीअरेंजमेंट। अब बोलो क्या बनेगा, CH3 यहां क्या आएगा, H यहां क्या आएगा, नहीं आया समझ में, पक्का बताओ कितना आसान क्वेश्चन है, श्योर नेक्स्ट है बेटे C6H5 ये आपका लास्ट क्वेश्चन है बेटे एडवांस में। Br2 ऐड की तो ऑब्वियसली क्या होगा, डबल बॉन्ड टूटेगा, क्या हो जाएगा, Br लग जाएगा। क्या इतना क्लियर है, Br। फिर कहता 3 मोल ऑफ NaNH2 यूज किए मैंने, ठीक कुछ बना होगा जो भी है यहां पर, और फिर उसकी रिएक्शन कराई है CH3I के साथ, ये बताओ क्या है। आपको सिर्फ इतना दिया हुआ था, ये तो मैंने लिख दिया यहां पर 3 मोल्स ऑफ NaNH2। बेटे 2 मोल तो क्या काम करेंगे, HBr बाहर निकाल लेंगे, HBr बाहर निकाल लेंगे, याद करो। तो क्या होगा, 2 मोल से तो ये बन जाएगा, नहीं आया समझ में, बोलो कोई डाउट। तीसरा मोल क्या करेगा, यहां से इस H पॉजिटिव को छीनेगा, बिकॉज दिस इज योर टर्मिनल एल्काइन, और टर्मिनल एल्काइन क्या होती हैं, वीकली एसिडिक इन नेचर, दे कैन गिव यू H पॉजिटिव इन द प्रेजेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग बेस। तो अब इससे क्या बनेगा, नेगेटिव Na पॉजिटिव, बताया था मैंने आपको। अब क्या है, CH3I, क्या करोगे, ये कहां अटैक कर देगा, इस कार्बन पर, कार्बन पॉजिटिव आई, क्या क्या बाहर आएगा, NaI, क्या बनेगा प्रोडक्ट, नहीं आया समझ में, ये मैंने कराया था आपको एल्काइन की प्रिपरेशन में, हाउ वी कैन कन्वर्ट अ लोअर एल्काइन इनटू हायर एल्काइन। आ गया यूज बेटे। अब जो ये क्वेश्चन हमने किए हैं ये आपके IIT एडवांस के क्वेश्चन थे, मुझे अब ये बताओ कौन सा ऐसा बैंकर क्वेश्चन था जो ना कर पाए, समझ गए ना मेरी बात। अब ये जो क्वेश्चन हैं बेटे ये आपके IIT मेन के हैं, ठीक है वो करते हैं। तो बेटे यदि आप स्ट्रॉन्ग कर लोगे बेसिक तो नथिंग, कुछ नहीं है बेटा ऑर्गेनिक में, पर उसके लिए बेसिक स्ट्रॉन्ग होना चाहिए आपका, ठीक है। चलो अब क्वेश्चंस करते हैं मेन, क्वेश्चन नंबर 5, Bute-1-ene मे बी कन्वर्टेड इनटू ब्यूटेन, Bute-1-ene को मुझे ब्यूटेन में कन्वर्ट करना है, तो ये कह रहा है रिएजेंट में क्या लूं, टिन इन द प्रिंस ऑफ HCl, जिंक अमलगम यूज करें, पैलेडियम H2 यूज करें, जिंक HCl यूज करें, बोलो बेटे। हालांकि ये आपके रिड्यूसिंग एजेंट हैं पर ये एल्कीन को एल्केन में कन्वर्ट नहीं करेंगे, यूज होते हैं और किसी रिडक्शन में, आगे जब 12th की शुरू करेंगे उसमें बताऊंगा मैं सारे। तो फिलहाल क्या है, हाइड्रोजन बेटे सबसे पहली कराई थी प्रिपरेशन, याद करो एल्केन की जब हमने रिएक्शन शुरू की थी ना, जब एल्केन शुरू किया सबसे पहली ही रिएक्शन यही थी, हाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कीन H2 इन द प्रेजेंस ऑफ निकल और पैलेटिनम और पैलेडियम कैटलिस्ट, एल्कीन को किसमें कन्वर्ट किया था, एल्केन में, बताओ कितना आसान है।
ठीक है ना। चलो सिक्स्थ, बेटा आपको दे दिया ये क्वेश्चन, देखो फिर आ गया एच बी आर एड किया है, टेम्परेचर दे दिया 40 डिग्री सेल्सियस 313 केल्विन हाई टेम्परेचर पर, कौन सा प्रोडक्ट बनेगा, 1-2 एडिशन या 1-4 एडिशन। सो प्रोडक्ट इज व्हाट, यहां पर एच और यहां पर बी आर, दिस इज योर आंसर। कर लेंगे सिलेक्ट, ओके। हां जी, पर सुनिए बेटा, दे क्या रखा इसने, ऑप्शन सुनिए, वन ब्रोमो टू ब्यूटीन, दिस इज वन ब्रोमो टू ब्यूटीन फॉर्म अंडर काइनेटिकली कंट्रोल कंडीशन है, दिस इज अंडर थर्मोडायनेमिकली, दो कथन बताए थे मैंने बेटे, काइनेटिकली कंट्रोल्ड एंड थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड। काइनेटिकली कंट्रोल बनता है बेटे लो टेम्परेचर पर, फास्ट बनेगा, और थर्मोडायनेमिकली पर बनता है आपका हायर टेम्परेचर पर, तो टेम्परेचर हायर था तो ये ऑप्शन नहीं है। आगे कहता है थ्री ब्रोमो ब्यूटेन, सॉरी आई एम सॉरी, थ्री ब्रोमो ब्यूटेन अंडर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, ये आपका थ्री ब्रोमो ब्यूटेन तो है ही नहीं, वन ब्रोमो टू ब्यूटेन अंडर थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड, दिस इज योर आंसर। ओके ध्यान से, ओके, प्रोडक्ट भी पूछ लिया आपसे और साथ के साथ क्या पूछ लिया, बताओ काइनेटिकली कंट्रोल्ड है या थर्मोडायनेमिकली। हां जी बेटे, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन, ध्यान से सुनना बेटे, इथीन, जब आप इथीन में H2O ऐड करते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट H2SO4, बॉन्ड तोड़ते थे, H लगता था और OH लगता था, इस रिएक्शन में हम क्या करते थे, मैकेनिज्म अब डिस्कस नहीं करेंगे, पर मैं इतना बता रहा हूं क्या बनेगा, कार्बोकेटाइन। सो कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट हो सकता है, क्या और कोई भी एल्कीन प्राइमरी बना सकती है, मैं इसे नेक्स्ट एल्कीन यही ले रहा हूं प्रोपीन, बताओ बेटे क्या मेजर प्राइमरी एल्कोल बनेगी या सेकेंडरी, क्यों बॉन्ड तोड़ोगे, ऑब्वियसली OH यहां गया और H यहां आया, फॉलो मार्कोव इनकोफ रूल, ये कार्बन कैसा है सेकेंडरी, सेकेंडरी पर क्या लग गया OH, सो दिस इज विच एल्कोहल, नहीं आया समझ में, ओके yes, आप क्वेश्चन बोलूं, एसिड कैटालाइज हाइड्रेशन ऑफ एल्कीन एक्सेप्ट इथीन लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शियरी अल्कोहल, मिक्सचर ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी, बोलो ये कह रहा है क्या मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी और टर्शियरी अल्कोहल बनेगा, प्राइमरी एंड सेकेंडरी अल्कोहल बनेगा बेटे, सेकेंडरी और टर्शरी, सेकेंडरी या टर्शरी अल्कोहल मिलेगा या प्राइमरी अल्कोहल मिलेगा बेटे, सबसे पहले तो प्राइमरी वाले को हटा दो, क्यों प्राइमरी तो सिंपल इथीन ही दे सकता है, यहां देखो ये कह रहा है मिक्सचर ऑफ सेकेंडरी एंड टर्शरी, ये कह रहा है आइदर सेकेंडरी और टर्शरी, बेटे एक बात बताऊं ना, मिक्सचर तो यहां भी है, अब इसमें बड़ी देखो बड़ा पेचीदा क्वेश्चन हो गया अभी आपका, मिक्सचर और कोई भी एल्कीन दे रहे हैं, मतलब कैसे मैं समझाता हूं आपको बेटे, ये लो मैंने ये ले लिया, इसकी जब आप हाइड्रेशन करोगे बॉन्ड तोड़ेंगे एच यहां लेकर आएंगे, यहां चार्ज क्या आ गया पॉजिटिव, यदि यहां OH जोड़ते हैं तो क्या बनेगा सेकेंडरी अल्कोहल, पर कार्बोकेटाइन शिफ्टिंग होगी तो यहां चार्ज क्या आ जाएगा पॉजिटिव, यहां पॉजिटिव आते क्या जुड़ जाएगा OH, ये कार्बन कौन सा है टर्शरी, तो क्या बन सकता है मिक्सचर बन सकता है सेकेंडरी का भी और टर्शरी का भी, बोलो क्लियर है, और सुनो बाकी हो सकता है बेटे ऐसी एल्कीन हो मिक्सचर जरूर, क्या जरूरी है हर एक में मिक्सचर बने, नो सर,
जरूरी तो नहीं है। मैं इसलिए मैं कह रहा हूं बेटे, ध्यान से देखो इन ऑप्शन को। एक में लिख दिया मिक्सचर, एक में लिखा है सेकेंडरी और टर्शरी। मेरी बात समझ रहे हो ना? अब मैंने एल्किन ले ली, कौन सी देखो, ये ले ली। चलो बताओ भाई, इसमें टर्शरी के ऑप्शन है कहीं? नहीं। तो आंसर क्या लिखोगे? सेकेंडरी और टर्शरी अल्कोहल। ध्यान से क्वेश्चन सॉल्व करना बेटे। नहीं आया समझ में? ओके चले। पर प्राइमरी किसी में भी नहीं करोगे, ये ध्यान देना, ठीक है बेटा? चलो इलेवेंथ है बेटे। बेटे ये दे रखा है ऑप्शन, बड़ा आसान है। टू एच बी आर सी एच थ्री सी एच डबल बॉन्ड सी एच बी आर प्लस एच बी आर। ध्यान से क्वेश्चन देखना बेटे। ऑप्शन में क्या कह रहा है मुझे ये बताइए कि ये प्रोडक्ट मुझे बनाना है, तीनों में से चारों में से कौन बनाएगा? पहली बात तो कितने कार्बन है प्रोडक्ट में? तीन। इसमें कितने हैं? दो। इसको तो बोलो पहले, अब आ जाओ। हाँ बेटे, एक बी आर जुड़ सकता है यहां तो, हटाओ इसको भी। यहां दो, यहां एक ऑलरेडी है, एक और जुड़ सकता है। यानी ऑप्शन या तो ये है या ये है। अप्लाई मार्कोव इनकोफ रूल, क्या होगा? बॉन्ड तोड़ा मैंने, यहां पर बोलो एच, यहां पर फिर बॉन्ड तोड़ा, यहां पर बी आर, यहां पर दिस इज योर आंसर। वेट करो, यहां आओ ना एक बार, यहां भी तो आ जाओ। इसमें ऐसा क्या हो गया? एच यहां पर और बी आर यहां पर, डबल बॉन्ड तोड़ो, दोनों में ही बेटे बराबर एच है, तो बी आर बताओ कहां जाएगा? इधर जाएगा या इधर जाएगा? बोलो। अच्छा क्वेश्चन है ये भी, सुनो इसको सॉल्व करें, है ना? हमने अब ये प्रूव करना है कि वाई दिस इज रॉन्ग। क्लियर है बेटा जी? पहले क्या जोड़ोगे? एच पॉजिटिव, एच पॉजिटिव मैं यदि यहां जोड़ता हूं, सुनो ये था सी एच एच बी आर, यहां जोड़ा लेफ्ट, सॉरी एच यहां जोड़ रहा हूं मैं, तो पॉजिटिव आया यहां पर, और यहां पॉजिटिव आ गया तो बी आर यहां चला जाएगा। क्लियर है ना? तो पर एक बात बताओ, चलो करते हैं। ये नो नीड टू एक्सप्लेन, मैं ज्यादा डिटेल में से लगा था बेटे। क्या दे रखा था? टू टू, यहां तो ये एक वन पे ही है, छोड़ दो ना इसको भी, क्यों एक्सप्लेन करें? आया ना समझ में? बड़े हो गए बोलो बेटे। पर फिर भी एक मिनट, अब ये देख लेते हैं, जब क्वेश्चन शुरू ही कर दिया हमने, ये बताओ कि बी आर यहां जाए या यहां जाए? आपको क्या करना है? कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी को चेक कर लेना है बेटा। ये स्टेबल कार्बोकैटायन है, ब्रोमीन हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, डिक्रीज द स्टेबिलिटी, बात वही कर लेंगे। तो ऑप्शन इज सेकंड, फोर्टींथ बेटे। फोर्टींथ में बहुत इजी है, करो इसको अपने आप। ऑथोलिसिस प्रोडक्ट पूछ लिया, थोड़ा टू मॉलिक्यूल्स ऑफ इथेनल, क्लियर? चलो सेवनटींथ, वन मोल ऑफ सिमेट्रिकल एल्कीन, एक मोल सिमेट्रिकल एल्कीन दे रखी बेटा, वन मोल सिमेट्रिकल एल्कीन ऑन ऑजोलोसिस गिव्स टू मोल ऑफ एन एल्डिहाइड। सिमेट्रिकल है तो इतना तो तय है कि ये पोर्शन और ये पोर्शन सेम। जो मुझे एल्डिहाइड मिली उसका मास है 44,
बेटे 44 है तो इतना तो श्योर है, क्या कार्बन दो पक्का है, दो कार्बन की एक बार बना के देख लो, सबसे पहले देखना बेटा बड़ी बात, 24 16 4 आंसर इज क्या जाएगा, कौन सी है वो एल्कीन, ब्यूटोइन इज आंसर। ओके हाँ जी बेटा, ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बेटा, एक ध्यान से देखना, ऑजोलिसिस से ही पूछा गया है, ऑजोलिसिस ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड गिव्स फॉर्मल्डिहाइड वन ऑफ द प्रोडक्ट। मेरे पास कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड है तो उसने फॉर्मल्डिहाइड दी, बेटे फॉर्मल्डिहाइड कब बनता है पहले ही देखना आपको, याद करो बच्चों मैंने बताया था आपको, इसी से तो बनेगा फॉर्मल्डिहाइड, जब डबल बॉन्ड एंड में होगा बेटे, फर्स्ट पोजीशन पर होगा, तभी क्या बन सकता है फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड किसका नाम है, मिथेनल, कौन है बेटे, मिथेनल इज कॉल्ड एज फॉर्मल्डिहाइड। ठीक है, अब सुनो, टू इथाइलिनिक डबल बॉन्ड, टू इथाइलिक डबल बॉन्ड है, वन इनाइल विनाइल ग्रुप, ये क्या ग्रुप है बेटे, विनाइल ग्रुप बोलते हैं इसको, समझ गए, आइसोप्रोपाइल ग्रुप, नो एसिटाइलिनिक ट्रिपल बॉन्ड, एसिटाइलिनिक ट्रिपल बॉन्ड क्या मतलब है बेटे इसका, एसिटाइलिनिक ट्रिपल बॉन्ड से देखो, विनाइल ग्रुप तो ये हुआ ना, बोलो आगे है तो ये आपके विनाइल ग्रुप माना गया, आंसर कर पाएंगे, बोलो पक्का, चलो बेटे आगे बढ़ो, फिर आ गए क्वेश्चन, टू हेक्साइन को कन्वर्ट करना है ट्रांस टू हेक्सीन में, क्या यूज करोगे, बोलो बोलो, बेच रिडक्शन, सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया या लिथियम इन द प्रेजेंस ऑफ लिक्विड अमोनिया। हाँ जी बच्चों, नेक्स्ट 24 भी पहले भी आ चुका है बेटे, रिपीट हो रहे हैं बेटा क्वेश्चन, देखो ये आईआईटी एडवांस में भी पूछ लिया गया और मेन में भी आ गया, आया था ना मैंने बताया था, HOCl ऐड किया तो इंटरमीडिएट पूछ लिया आपसे क्या बनेगा, पहले कौन जुड़ेगा, Cl पॉजिटिव, कौन सा रूल फॉलो कर रहे हो, मार्कनकोफ रूल फॉलो कर रहे हो, Cl पॉजिटिव कहां लेके जाऊं मैं, राइट साइड, इधर यहां पर चार्ज, तो ये आंसर आ गया आपका, बस बोलो। ठीक है, अब चलिए क्वेश्चन करते हैं, विच कंपाउंड वुड गिव 5-keto-2-methylhexanal, चलो बेटा करो फिर, हेक्सानल ये रहा, ठीक है 5-keto ये रहा, 2-methyl ये रहा, और आपको दे दिया गया बेटे ये, किसकी ऑजोलिसिस करने से आपको ये प्रोडक्ट मिलेगा, करो इसको क्वेश्चन को सॉल्व, चलो बिल्कुल आसान है, किसकी ऑजोलिसिस करने से आपको ऊपर वाला प्रोडक्ट मिलेगा, ये आपसे पूछना चाह रहा है, करो बेटा सॉल्व द क्वेश्चन, बोलो डी, कौन सा डी, ये चलिए पक्का है, देख लो ये बता रहे हो ना, चलो हटाऊं इसको, ये लो डबल बॉन्ड ओ, यहां भी क्या लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4
फाइव सिक्स, बताओ कितना आसान है। ओके डन बेटे, दो क्वेश्चन हो रहे हैं जो आपके बसते हैं, एक बार वोर कर लेते हैं, ठीक है। बाकी ऑलमोस्ट आपके मैंने कराई दिए बेटे। ये क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, थोड़ा सा ये आईआईटी जेईई मेन में आया हुआ बेटे 2019 में। यहां हमने अभी जो लिखे हुए थे वो 2017 तक के थे बेटा, ये अभी 2019 में क्वेश्चन पूछा गया था। HCl ऐड करना है, व्हाट इज द प्रोडक्ट, ऐसे ऐसे बहुत क्वेश्चन करवा रखे मैंने तुम्हें। फॉलो मार्कोव एंड कोफ रूल, सबसे पहले क्या करेंगे, बॉन्ड तोड़ेंगे और यहां मैं लिख देता हूं CH3। समझ में आया नहीं आया? Yes, नहीं आया। यहां चार्ज पॉजिटिव, बॉन्ड शिफ्टिंग करेंगे, यस बोलो, फाइव मेंबर रिंग कन्वर्ट हो रही है किसमें, सिक्स मेंबर रिंग में। इस बॉन्ड को तोड़ दूं, किससे मिला दूं, इससे, चार्ज पॉजिटिव यहां, बोलो बेटे, और यहां पर क्या लगा दोगे, सी, दैट इज योर आंसर। ओके देखो, वन टू थ्री, वन टू पर दोनों सी एस थ्री ग्रुप, नेक्स्ट सील, दैट इज योर आंसर। तो ये करके नहीं देखना बेटे, एक बार बॉन्ड तोड़ो, एक बार बनाओ, जहां टूटा है उस, जहां से तोड़ रहे हो साफ कर दो और तुरंत बना दो, ये आंसर आ गया आपका, ठीक है ना। चलिए बेटे, तो करो बेटा आज यहां तक। डियर स्टूडेंट्स, आज हमने बेटे जितने भी आपके आईआईटी जेईई के मेन और एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व किए हैं, मुझे नहीं लगता कि ऐसा कोई क्वेश्चन है जिसमें आपको ज्यादा प्रॉब्लम आई होगी। तो बेटा अपना बेसिक स्ट्रॉन्ग करो, इजी है सब कुछ, सब बढ़िया रहेगा। ओके, अपने ऊपर फेथ रखो, कॉन्फिडेंस रखो। चलिए बेटे आज का लेक्चर यहीं तक, नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चंस लेंगे अब आपके नीट के, पिछले 10 साल के सारे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, ऑलवेज बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू बेटे।